बसपा प्रत्याशी साउद अली उर्फ जुनेद मियां 103 विधानसभा अलीगंज ने की प्रेस वार्ता, कहा विकास से अछूते हैं कई गांव और प्रेस वार्ता कर विपक्ष पर सदा निशाना। एटा उत्तर प्रदेश से राजेश गुप्ता की रिपोर्ट, देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें। इतने बिजी शेड्यूल से आप लोगों ने मेरे लिए समय निकाला, मैं सभी पत्रकार बंधुओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज 6 दिन हो गए हैं और मैं करीब 125 गांव घूम चुका हूं। अलीगंज विधानसभा के हर समाज का समर्थन मिल रहा है, हर समाज का आशीर्वाद मिल रहा है, चाहे कोई समाज हो, सब पीड़ित हैं। पिछले 10 साल में जो उनके साथ किया गया है, हर आदमी पीड़ित। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि मैंने जो एक नई पहल करी है, जैसी जिसकी हिस्सेदारी वैसी उसकी भागीदारी, उस चीज से जो विपक्षी हैं वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं और बैठ के तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं। जो आरोप लगाए जा रहे हैं तो वो आरोप वही लगा सकते हैं जो जैसा करता है वैसा उसे दूसरा भी वो वैसा ही लगता है। तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से पब्लिक के बीच में कहना चाहता हूं कि कुछ समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मुझे खड़ा किया गया है, कुछ भारतीय जनता पार्टी वाले कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी द्वारा खड़ा किया गया है। तो लोग जो लोग जैसे होते हैं, जिसकी मानसिक प्रकृति जैसी होती है, वो वैसे ही सोचता है। पूर्व का अगर इतिहास उठाऊं तो जब MLC के चुनाव से शुरुआत करूं, समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं उन्होंने टिकट दिया था किसको, और अलीगंज के पूर्व विधायक जी ने लड़ाया था किसको। प्रेस की मीडिया के सामने बोल रहा हूं। उसके बाद जब बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी गठबंधन हुआ, गठबंधन से उम्मीदवार कौन था और लड़ाया गया किसे, क्या चीज ली, क्या क्या फायदा उठाया, वो मैं नहीं कहना चाहता। मैं इतनी गिरी हुई राजनीति नहीं करता हूं। मैं जिस परिवार से हूं, हम लोगों ने हमेशा स्वच्छ और साफ छवि की राजनीति की है। जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो पहले अपना गिरेबान पहले झांक के देखें। विकास के नाम पे अब तक कुछ कराया नहीं गया है क्षेत्र में। मैं आपके माध्यम से लोगों से कहना चाहता हूं कि 10 तारीख को हम लोग एक घोषणा पत्र अलीगंज के लिए जारी करेंगे, जो अब तक मैंने समस्याएं देखी हैं उसको देखते हुए अलीगंज के मुख्य रूप से